हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। माय नेम इज अनिल और व्यू जेस के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले कि हम चाइल्ड से पेरेंट कंपोनेंट के अंदर डेटा ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं। पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था पेरेंट टू चाइल्ड, बट इसके अंदर हम उल्टा देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या कि चाइल्ड कंपोनेंट से प्रोप्स पेरेंट कंपोनेंट में ट्रांसफर करने वाले हैं। कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले इस वीडियो के हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है। सो ये इस वीडियो के पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम एक चाइल्ड कंपोनेंट बनाएंगे स्टार्टिंग से, उसके बाद में हम एक चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर एक बटन क्लिक के ऊपर एक फंक्शन कॉल करेंगे। उस फंक्शन के अंदर हम एक इवेंट को एमिट करेंगे। वो वाला जो इवेंट एमिट होगा वो पेरेंट कंपोनेंट के अंदर डेटा को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मेरा ऐप डॉट व्यू कंपोनेंट है, इसके अंदर कुछ खास नहीं है अभी तक, जस्ट एक नॉर्मल टेम्पलेट है। और ये मेरे कंपोनेंट का नाम है अभी तक एप्लीकेशन, और ये थोड़ी सी स्टाइल का रखी है, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट ही होता है। सो अब मैं एक नया कंपोनेंट बनाता हूँ। मेरे नए कंपोनेंट का मैं नाम रखता हूँ चाइल्ड डॉट व्यू, और सबसे पहले मैं इसके अंदर बेसिकली टेम्पलेट ही बनाऊंगा। ऑलराइट, इसके अंदर एक टिव ले लूंगा और यहां पे मैं एक बटन भी डिफाइन कर देता हूं, ठीक है। इसके ऊपर कर दूंगा मैं अपडेट पेरेंट टाइटल, ठीक है। सो जो यहां पे एक टाइटल होगा, मैं इसको एक टाइटल नाम बनाऊंगा, यहां पे एक टैग बनाऊंगा, उसका टाइटल मैं चाइल्ड से अपडेट करने वाला हूं, ठीक है। इसके बाद में मैं स्क्रिप्ट डिफाइन करूंगा। बेसिकली स्क्रिप्ट के अंदर मुझे दो चीजें डिफाइन करनी है, एक तो मुझे मेरे कंपोनेंट का नाम डिफाइन करना है। सो मैं यहां पे लिखता हूं नेम और मेरे कंपोनेंट का नाम है चाइल्ड, इस तरीके से। अभी के लिए काफी है, डेटा मैं बाद में कर दूंगा, डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। अब मैं इसको इंपोर्ट करता हूं मेरे पेरेंट कंपोनेंट के अंदर। यहां पे लिखूंगा इंपोर्ट चाइल्ड फ्रॉम कंपोनेंट का पाथ कंपोनेंट और उसके अंदर चाइल्ड। अब जो ये वाला चाइल्ड है इसको मैं रजिस्टर करता हूँ कंपोनेंट वाले ऑब्जेक्ट के अंदर, सिंपल है। और अब मैं इसको सिंपली यूज कर सकता हूँ यहाँ पे टेम्पलेट के अंदर, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मुझे यहाँ पे बटन दिख रहा है, परफेक्ट, बट इसके ऊपर कोई इवेंट नहीं परफॉर्म हो रहा, वी नो दैट। सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ बेसिकली, और उस फंक्शन का नाम मैं रख सकता हूँ लेट से अपडेट टाइटल। ऑलराइट, और इस फंक्शन के अंदर मैं कुछ डेफिनेशन लिखूंगा, बट आपको पता है कि जो हम फंक्शन डिफाइन करते हैं वो हमेशा हम करते हैं मेथड के अंदर। जस्ट मैं मेथड लिखूंगा इस तरीके से। ऑलराइट, और मैं यहां पे इसकी ब्रैकेट्स भी चेंज कर देता हूं, परफेक्ट। ये वाला फंक्शन हमने यहां पे डिफाइन कर दिया। फॉर अ मोमेंट मैं यहां पे कंसोल करवाता हूं चेक करने के लिए कि क्या मैं यहां पे इस फंक्शन को कॉल कर पा रहा हूं, डेटा गेट कर पा रहा हूं इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो फ्रॉम टाइटल, और अब मैं यहाँ पे एक इवेंट डिफाइन करता हूँ। और इवेंट आपको पता है कि हम लोग डिफाइन करते हैं वी माइनस ओन क्लिक, और इसके ऊपर मैं यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करूँगा जो हमारा ये वाला है। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपडेट टाइटल। सो अब मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो हमें हेलो फ्रॉम टाइटल मिल गया, दैट्स परफेक्ट, ठीक है। अब मैं इसको चाहूँ तो यहाँ से हटा भी सकता हूँ या फिर कमेंट भी कर सकता हूँ। इसको हटा ही देते हैं, इसकी अभी के लिए ज़रूरत है नहीं। और मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं यहाँ से कॉल करूँगा बेसिकली दिस डॉट डॉलर एमिट, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि यहाँ से एक इवेंट होगा वो फायर होगा। कौन सा इवेंट फायर होगा, इसके दो पैरामीटर होते हैं। पहला जो मैं यहाँ से इवेंट फायर करना चाहता हूँ, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चेंज टाइटल राइट, और सेकंड पैरामीटर अगर मैं कुछ डाटा यहां से ट्रांसफर करना चाहता हूं तो, ठीक है। और मैं यहां पे कुछ ले सकता हूं प्रॉप्स अपडेटेड और समथिंग। ऑलराइट, सो जहां पे आप लिख देते हो पेरेंट अपडेटेड, जो भी आपको ठीक लगे आप पास कर सकते हो, दैट्स ओके। अब जैसे ही हमारा यहां से पेरेंट ट्रांसफर हो गया तो जाएगा कहां पे, जब हमने इवेंट डिफाइन करा है और ये हमारा जो कॉल होगा बेसिकली, सो ये जो चाइल्ड इवेंट होगा ये पेरेंट के अंदर इंपोर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हम इसको कॉल कर सकते हैं। कैसे देखते हैं, सबसे पहले जो मैंने चाइल्ड इवेंट लगाया यहाँ पे मैं कस्टम इवेंट करूँगा क्योंकि मैंने एमिटर यूज़ करा है, यहाँ पे एमिट यूज़ करा है, तो इसको मैं एमिटर यहाँ पे यूज़ करता हूँ वी माइनस ओन। और अब जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक लिखते हैं वैसे ही हमारा जो कस्टम इवेंट है ना वो यहाँ पे कॉल होगा ये वाला। ऑलराइट, तो ये हमारा कस्टम इवेंट है,
तो इसको हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, दैट्स ओके। और यहाँ पे मैं कोई भी एक फंक्शन कॉल कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ अपडेट टाइटल, और अगर आप इसका नाम चेंज टाइटल करना चाहते तो दैट्स टोटली अप टू यू। और अब मैं यहाँ पे डाटा वाला फंक्शन डिफाइन करूँगा। डाटा के अंदर आपको पता है कि हम लोग प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करते हैं बेसिकली, राइट। सो मैं यहाँ पे इस फंक्शन को डिफाइन करूँगा और यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी बना लेता हूँ टाइटल करके, और टाइटल के अंदर मैं लिख देता हूँ प्रॉप्स ट्यूटोरियल और समथिंग। और ऑब्वियसली जब हम ये यूज़ करते हैं तो हमें इसको क्या करना पड़ता है, रिटर्न करना पड़ता है, राइट। सो जस्ट हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे इस तरीके से, और हम इस तरीके से कॉलन को चेंज कर देंगे, परफेक्ट। सो अब मैंने ये डाटा के अंदर मैंने प्रॉपर्टी डिफाइन कर लिया, तो जो मेरा यहाँ पे एच वन टैग है यहाँ पे, इसको मैं डबल कर्ली ब्रेसेस के साथ मैं इस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। सो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, प्रॉप्स ट्यूटोरियल, दैट्स परफेक्ट। और अब मैं यहाँ पे मेथड्स डिफाइन करूँगा, और मेथड्स पता है आपको कि एक ऑब्जेक्ट होता है, इसके अंदर मैं मेरा, जैसे कि हमने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करा है उसी तरीके से हम एक यहाँ भी फंक्शन डिफाइन करेंगे, और उस फंक्शन का नाम होगा अपडेट टाइटल। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपडेट टाइटल, और यहाँ पे लिखूंगा दिस डॉट टाइटल, और इसके अंदर से मेरी वैल्यू आएगी। वैल्यू कौन सी वाली वैल्यू आएगी, जो हमने यहाँ से सेंड करी है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे यूज करूँगा डॉलर इवेंट, ऑलराइट। और इसके अंदर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, और मैं इसको यूज कर सकता हूँ टाइटल को इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे अगर हिट करके देखता हूँ तो आप देख सकते हो कि पेरेंट अपडेटेड इस तरीके से यहाँ पे अपडेट हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं पूरी वीडियो को, हुआ क्या। सबसे पहले हमने चाइल्ड कंपोनेंट डिफाइन करा, उसके अंदर हमने एक बटन बनाया यहाँ पे, उस बटन के क्लिक के ऊपर हमने एक मेथड कॉल करा, उस मेथड पे हमने एमिटर यूज करा। उस एमिटर के अंदर दो पैरामीटर होंगे, पहली बात कि फंक्शन एक्चुअली सेमिटर के बेस पे कॉल कौन सा होना है, जो कस्टम इवेंट बनना है वो हमारा कॉल कौन सा होना है, दूसरा कि इसके अंदर डाटा क्या पास होना है। तो जो हमारा एमिटर था उसके अंदर हमने चेंज टाइटल नाम से जो कस्टम इवेंट बनाया था ये हमारा बन गया था, और वो कॉल करता अपडेट टाइटल को यहाँ पे। इसके अंदर मैंने सिंपली पास कर दिया था इवेंट, क्योंकि यही इवेंट एमिटर ही था, वो एज यहाँ पे टाइटल आ गया और टाइटल यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी और कुछ चेंज करना चाहूँ, जैसे कि लाइक दिस वीडियो, ऑलराइट। सो अभी यहाँ पे यही चेंज हो जाएगा, लेट मी जस्ट क्लिक इट लाइक दिस वीडियो, यहाँ पे अपडेट हो गया, ठीक है। सो दिस इज द वे कि हम लोग चाइल्ड से पेरेंट के अंदर डाटा कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। कुछ कंफ्यूज है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। बाय बाय, टेक केयर।